we are allocating to the commodities board, it should be increased. Thank you, sir. Shri Vinod Sonkar ji. Dhanyawad, Sabhapati Mahoday. Demand for grants, Ministry of Commerce and Industry pe aapne mujhe bolne ka avsar diya. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दूंगा और जिस प्रकार से इस मंत्रालय ने काम किया उनके नेतृत्व में देश में आज गौरव का क्षण है कि 400 बिलियन का निर्यात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ. निश्चित रूप से ये देश के लिए गौरव का क्षण है. साथ ही साथ ये इस बात को दर्शाता भी है कि यह देश अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है. हम सभी ने देखा है कि कोरोना जैसे महामारी के समय यह देश बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आयात पर निर्भर रहता था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरुआत करके जिस तरह से इस मंत्रालय ने काम किया है उसी का परिणाम है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है. इस आत्मनिर्भरता में बहुत बड़ा योगदान पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो SIZ शुरू किया गया उसका था और वर्तमान में अपनी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई उसके द्वारा भी उसके कारण भी आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है. निश्चित रूप से इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो जिस प्रकार से यह मंत्रालय संचालित कर रहा है 7 दिसंबर 2016 को मंत्रालय के एक आदेश के द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो वर्तमान में 11 चल रहे हैं और जो भविष्य में और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने हैं उन सभी को NICDIPT के द्वारा इसको नियंत्रण में लिया गया जिसके कारण जो मेक इंडिया कार्यक्रम है उसको बहुत बढ़ावा मिला है. और मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का अगर देखा जाए तो एक समय हम लोग जो होदरी का आइटम था बंगाल उसका हब होता था लुधियाना हब होता था लेकिन बीच में सरकारियों के नीतियों के कारण हम लोग आयात करने लगे थे लेकिन आज वो पुनः आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. साथ ही साथ मेक इन इंडिया का ही कार्यक्रम का एक परिणाम है कि चाइना पे लगातार हमारी निर्भरता घट रही है. हम सभी ने देखा था चाहे दीपावली का त्यौहार हो त्यौहार हमारा होता था लक्ष्मी गणेश वहां से आते थे. अभी होली का त्यौहार बीता है होली के त्यौहार में होता क्या था कि त्यौहार हमारा है रंग वहां से आता था लेकिन इस मंत्रालय के प्रयास के द्वारा जिस तरह से उद्यमियों का सहयोग किया गया उनका संवर्धन किया गया उसके कारण आज देश आत्मनिर्भर बढ़ रहा है. साथ ही साथ देश के युवाओं ने आपने देखा होगा कि IT में परचम लहराने के बाद अब स्टार्टअप में जिस तरह से देश और दुनिया में देश के युवाओं ने एक परचम लहराने का काम किया है और स्टार्टअप केवल एकमात्र रोजगार नहीं है देश में युवाओं को रोजगार देने का काम हो चाहे अपनी इकोनॉमी बढ़ाने का काम हो निश्चित रूप से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा या देश के सामने विजन रखा है उसको पूरा करने में निश्चित रूप से स्टार्टअप का बहुत बड़ा योगदान है और इस स्टार्टअप को सहयोग करने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा लगातार अनेक प्रकार की सहायता मुहैया कराई जा रही है. इसको बढ़ाने के लिए चाहे स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जो योजना इसके द्वारा शुरू की गई उसके कारण आज स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये स्टार्टअप केवल बड़े शहरों में नहीं हो रहा महानगरों में नहीं हो रहा है यह स्टार्टअप 3 टायर और 2 टायर के जो हमने शहर हैं उनके यहाँ से बहुत तेजी से स्टार्टअप आ रहे हैं. इसमें देश की महिलाएं भी बहुत तेजी से जुड़ रही है. साथ ही साथ इस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो 2000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ CJSS प्रारंभ की है योजना प्रारंभ की है उसके माध्यम से भी लगातार स्टार्टअप को बल मिल रहा है जिसके कारण आज हमारा युवा आत्मनिर्भर भी हो रहा है देश के आर्थिक तरक्की में भी अपना सहयोग कर रहा है और साथ ही साथ
लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहा है। मैं मुख्य रूप से माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले से 15 अगस्त 2015 को एक घोषणा की थी, इस देश के अनुसूचित समाज के युवाओं को के लिए, अनुसूचित जात और जनजाति के युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए स्टैंड अप योजना की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने देश से आह्वान किया था कि मैं चाहता हूं कि इस देश के अनुसूचित समाज के युवा और एसटी महिलाएं, ये एसटी समाज के लोग रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। उसको लेके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक यहाँ पे एक्ट भी पास किया, प्रोविजन किया कि जो चाहे देश के सरकारी कार्यालय हो, चाहे पीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे प्रदेश सरकार के पीएससी हो, चाहे प्रदेश सरकार के कार्यालय हो, वो अपने उपभोग के लिए 4% से ज्यादा 4% तक का खरीद एससी एसटी इंटरप्राइजेस से करेंगे। लेकिन इसमें माननीय मंत्री जी एक संकट है कि जब कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है 1956 में एक्ट 256 के अनुसार, तो जो भी कंपनियां रजिस्ट्रेशन होती है उनको एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जिसके कारण जो सरकारें हैं या पीएसयू हैं जो खरीदना भी चाहें तो खरीदने में असमर्थ हैं। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि निवेदन है कि इसको जो जब कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उस समय उसमें एससी एसटी की जो लाभार्थी या एंटरप्रेन्योर करते हैं तो उनको प्रमाण पत्र देने का कृपा करें, प्रोविजन करें, जिससे वो अपने सामानों की बिक्री सरकारी कार्यालयों में कर सकें। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का एक ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिया है, और इस उज्ज्वला कनेक्शन में एक नियम है कि अगर कोई एलपीजी से दुर्घटना होती है तो उसको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आपके मंत्रालय के अधीन ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 के अंतर्गत एक प्रोविजन है कि जब तक उस रसोई गैस का उपयोग आप पक्की रसोई में या पक्के प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे तब तक उस इंश्योरेंस का लाभ उनको नहीं मिलता। तो जब 6 करोड़ से ज्यादा हमने गरीबों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है, जो झोपड़ी में है, गरीब हैं, जिनको अभी उनको यहाँ पक्के रसोई बनाने की उनकी क्षमता नहीं है, पक्के प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता नहीं है, तो जिसके कारण जब दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि इस प्रकार की अनेक घटनाएं देखने को सामने आ रही है। तो मुझको लगता है इसके जो आपके यहाँ 1952 में ज्वलनशील पदार्थ के लिए अधिनियम बना है उसको एक बार चेक करके संशोधित करने की जरूरत है। एक अंतिम निवेदन माननीय मंत्री जी आपसे मैं करूंगा, उत्तर प्रदेश डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर की शुरुआत सरकार ने किया था, जिसमें जिसको अलीगढ़, आगरा और झांसी होते हुए फर्स्ट फेज में किया गया, सेकंड फेज में चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ तक प्रस्तावित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं ने देखा है कि चित्रकूट से लगा हुआ कौशाम्बी है जो मेरी लोकसभा क्षेत्र है, और चित्रकूट से लगा ही प्रयागराज है जहां पे लाखों एकड़ जमीन वहां पे सुरक्षित पड़ी हुई है। अगर इस डिफेंस कॉरिडोर को हम वहां तक बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से वहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से तो रोजगार। धन्यवाद। थैंक यू सर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री